जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जिला राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा के तहत सीमावर्ती क्षेत्र लाम किला धराल की तरफ से नौशहरा की ओर आ रही एक यात्री बस, मिनी बस, जो दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुई और इस मिनी यात्री बस के गिरने से लगभग 30 से भी अधिक संख्या में यात्री जो थे गंभीर रूप से घायल हुए और सेना की सहायता से वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चला के जितने भी जो घायल यात्री थे स्थानीय लोगों की सहायता से और एम्बुलेंस जो थी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा की वहां पर पहुंच चुकी थी और तमाम लोगों की सहायता से जितने भी जो घायल यात्री थे उनको इस समय नौशहरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जा रहा है और कई एक यात्रियों को इस समय जो घायल अवस्था में थे उनको नौशहरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचाराधीन रखा गया है। और इस हादसे के दौरान एक समाचार हमारे पास एक अपडेट आ रही है कि एक व्यक्ति की वहाँ पर मौत हो गई। हालांकि जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई क्योंकि नौशहरा जो हॉस्पिटल था इस समय गचा गच भरा हुआ है और यात्रियों से भरी हुई यात्री बस के गिरने के बाद वहाँ पर स्थानीय लोग, वहाँ पर जितने भी जो एनजीओ के लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, इस समय नौशहरा के अंदर पहुँचे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह समयाल और एडिशनल एसपी नौशहरा इस समय मौके पर हैं और लगातार हादसे का शिकार हुए जो लोग हैं उनको बचाने का प्रयास इस समय प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। आपको दिखाते हैं कुछ एक विजुअल जहां पर ये सड़क हादसा हुआ उसके बाद इस समय हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार के हालात हैं, आपको वो दृश्य दिखाते हैं।